उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जितने भी राइडर्स हैं, जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका फोकस ज़्यादातर अपने गोप्रो के ऊपर होता है। तो ये वाली चीज़ कहाँ तक राइट है, कहाँ तक रॉन्ग है? तो गाइस, पिछली मेरी कुछ वीडियो में जो कि मैंने अभी रिसेंटली जब मैं मोटो ब्लॉगिंग करने बाहर गया था गाइस, वो सीन ये हो जाता है कि ट्रैफिक पुलिस मेरे को रोकती है और बोलती है कि ये जो आप लगा रहे हैं डिवाइस वगैरह और कुछ भी है, तो इसको ये ऑल ओवर इंडिया में बैन हो चुका है और आज हम आपको सिर्फ एक मतलब बता रहे हैं और क्या नाम है, इसका फाइन नहीं कर रहे हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे गाइज। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। तो गाइज, सिंपल सी बात है, देखो नॉर्म्स क्या कहता है और जो कि रूल है वो क्या कहता है और कहाँ तक सही है, जो कि मैंने सुना है गाइज कि भाई देखो अभी तक केरल में ही इसका बैन होने की जो न्यूज़ है गाइज वो है सिर्फ वो भी हेलमेट के ऊपर। तो अगर कहीं और अगर एक्शन कैमरा आप लगाते हैं या गोप्रो आप लगाते हैं तो और कहीं इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप हेलमेट के ऊपर नहीं लगा सकते। और हेलमेट के ऊपर अब मुझे नहीं पता गाइस, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रॉपर तरीके से इलीगल है हेलमेट पे लगाना? मेरे को तो ऐसा देखो कुछ लगता नहीं है, लेकिन गाइस देखने वाली बात ये है कि उन्होंने एक चीज़ और बोली कि जितने भी राइडर्स हैं, जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका फोकस ज़्यादातर अपने गोप्रो के ऊपर होता है। तो ये वाली चीज़ कहाँ तक राइट है, कहाँ तक रॉन्ग है, आप इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर बाइकर्स इस चीज़ के ऊपर ध्यान रहता है कि भाई गोप्रो के ऊपर और एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। देखो वो चीज़ अलग है, नया नया कोई अगर बंदा इस चीज़ में अगर आता है और इस चीज़ को करता है तो देखो ज़्यादातर उसका फोकस जो है अपने एक्शन कैमरे के ऊपर या फिर गोप्रो के ऊपर जाएगा गाइज। 100% बात है कि वो देखता है कि भाई ये चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। बाकी देखो गाइज, मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, एक बार सिर्फ आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए आपने और ज़्यादातर फोकस आपका रोड पे रहता है गाइज। मेरा जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा ज़्यादातर फोकस रोड पे रहता है और कहीं कहीं देखो ऐसा होता है कि आपको देखना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और बस खाली क्या होता है कि आपको स्टॉप ही करना होता है गाइज। और ये वाली चीज़ जो कि बोली गई है मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है और क्या नाम है, ध्यान थोड़ा सा भटकता है। देखो इस चीज़ में अब मैं तो देखो प्रॉपर एग्री नहीं कर सकता, आपकी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है ज़रूर बताइएगा गाइज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ऑल ओवर जितने भी इंडिया में जितने मोटो ब्लॉगर हैं, ये सबके लिए ही है। अगर यहाँ पर होती है ये चीज़ तो गाइज ये तो फिर हर जगह इस चीज़ को लगाया जाएगा। और बाकी जितने भी मोटो ब्लॉगर्स हैं जो आ रहे हैं, जो फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहे हैं, एक्शन कैमरे से व्लॉगिंग कर रहे हैं गाइस, बी केयरफुल, आगे भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलाइए। अगर आप बार बार आपका फोकस इन चीज़ों के ऊपर रहता है कि भाई बार बार एक्शन कैमरे को देखना, फिर उसे सेट करना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी, ये वाली चीज़ें, तो यही मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा गाइस कि आप सिर्फ देखो करो ये चीज़ अच्छी है, लेकिन उसका भी देखो कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव सोल्यूशन आ ही जाएगा गाइस एक दिन, या फिर जो भी कुछ होगा। तो देखो सबकी अलग अलग राय हैं, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हमारा अलग होगा और जो ट्रैफिक पुलिस है उनका अलग होगा गाइस। वो भी कोई चीज़ को गलत उसमें नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे, तो हो सकता है इन चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो रही हो या नुकसान हो रहा हो, या खुद ही को मतलब जैसे कि जो बंदा है उसको हो रहा हो या हुए हो एक्सीडेंट वगैरह हुए होंगे। अब ये तो देखो हमें नहीं पता, इतनी कोई न्यूज़ अपने को नहीं आती है सुनने में। और मोस्टली देखो ज़्यादातर जो मेन जो कैमरा जो बैन हुआ है गाइज वो हुआ है आपका केरल में, और इंडिया के किसी स्टेट में या फिर किसी शहर में अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि भाई इस पार्टिकुलर स्टेट में ये वाली चीज़ को बैन कर दिया गया है। तो आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे गाइस, जिस भी स्टेट से देख रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो गाइस, तो प्लीज़ कमेंट। और चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए गाइस। और ऐसे ही अभी और आगे जाना है, अभी तो शुरुआत हुई है, तो ऐसे ही और ऊपर ले जाते जाइए गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए, जिससे कि गाइस हम भी एक उस मुकाम तक पहुँचे जो कि और बड़े बड़े मोटो व्लॉगर्स हैं गाइस। और आने वाला टाइम में गाइस ट्रिप्स वगैरह प्लान होंगी और हो ही रही हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ गाइस। तो चलो गाइस फिर वीडियो करते यहीं पे ही एंड, और तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।